गल ये है कि लांघा बंद होया सी कोविड करके, कोविड की समस्या खत्म हो गई, सारी दुनिया च आवाजाही चालू हो गई। पाकिस्तान नाल भी 22 रोड जथे जड़े आ सैकड़े श्रद्धालुओं के जान लग गए, तो इस लांघे तो इन्नी सियासत क्यों हो रही है? जिन्ना मर्जी क्रैडिट लै लैन सानू कोई इतराज नहीं, लांघा खोल दें, क्योंकि यह तो अपने आप खोलना चाहिए सी, मंग क्यों करनी पई? ये घटिया राजनीति इस जज्बातों के उत्ते नहीं सी होनी चाहिए। सारी संगत अरदासा करती है, किसी ने कोविड के दौरान इतराज नहीं किया कि लांघा क्यों बंद होया, क्योंकि एक मजबूरी सी, पर जो मजबूरी सारी दुनिया च खत्म हो गई तो इतने क्यों आनी है? इस करके राजनीति है साफ नजर आ रही है। भाजपा का वफद राष्ट्रपति ने भी मिला, तो राष्ट्रपति साहब ने फैसला करना, यह मतलब बीजेपी की सरकार नहीं मान रही, तां गए राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को चाहिए ना भी जो सरकार के खिलाफ जाना हो, सरकार काम नहीं कर रही, तो रूलिंग पार्टी राष्ट्रपति को जा रही है। देखो गल यह है कि हुण सीजन है, इहदे च अगे किसान अंदोलन चलिया सी, उदों केंद्रीय एजेंसियां सरगर्म होईयां सी, हुण इलैक्शन है, तो हुण भी एजेंसियां नूं पावरां गवर्नमेंट दे रही है 5-5 साल दे अहुदिआं दीआं, तो फिर उन्हां दी दुरवरतों भी होएगी। पूरे पंजाब दे विच बसपा श्रोमणी अकाली दल की नेरी चल रही आ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਆ ਇਹ ਉਸ ਨੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆ। ਬਸਪਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो ताज़ा ही मामला तो मानयोग कांग्रेस ने जो बनाया, कल इन्होंने बयान लगाया कि बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल दीयां सीटां दा फिक्र मुख्यमंत्री नूं पिया आ, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री नूं बहुजन समाज पार्टी दीयां सीटां दा फिक्र पिया आ, और कांग्रेस का मुख्यमंत्री कल ये बयान ला रहा कि कांग्रेस की सरकार बहुजन समाज की सरकार है। असीं ये पुछना चाहुंदे आ कि बहुजन समाज दी सरकार तो भैन कुमारी मायावती जी की साहब काशी राम जी की आशीर्वाद के नाल उत्तर प्रदेश में 4 वारी बनी, और जदों असी 4 वारी सरकार बनाई तो असी बेजमीनिया 11 लाख किला जमीन का बंड दिता। मानयोग कांग्रेस सरकार ने आज़ादी के 74 साल दसे किन्ने किले बंडे, और असी 22,000 पिंड अंबेडकरी पिंड बना दिता बहुजन समाज की सरकार ने उत्तर प्रदेश में। और मुख्यमंत्री साहब कहिंदा आ, कल बयान दिंदे आ कि साडी कांग्रेस सरकार बहुजन समाज की सरकार है, तो किन्ने अंबेडकरी पिंड बनाए आ? बिल्कुल कांग्रसियों नूं इत्थे चिट्टा पेपर जारी करना चाहिए, चिट्टे दे नां ते इन्हां ने कसमां खाधिया, गुरबाणी मत्थे नूं ला लई, तख्त श्री दमदमा साहब वालू हथ करता, दशमेश पिता का नौं वरत लिया, वीडियो बना के वायरल करती, और झूठ के आधार से सत्ता जा गए। 4 हफ्तिया सारा कुछ करांगे, चिट्टा ना खत्म कर पाए, और जिहड़ी आ वादे वाली आ चिट्टे चिट्टा पेपर, ये चिट्टा पेपर ये दूआ चिट्टा का खत्म नहीं कर पाए, आही चिट्टा पेपर दिखा देना। जिम्मेवार कांग्रेस है जी, इस गल लई जिम्मेवार कांग्रेस है, कोई नेता जिम्मेवार नहीं, हर पार्टी दीयां पॉलिसियां जिम्मेवार होंदियां, पॉलिसियां कोई बंदा नहीं बनाउंदा, ना कैप्टन ने बनाउंदा, ना चन्नी ने बनाउणी, ना किसे, पॉलिसी कांग्रेस दी आ, ये पॉलिसियां दे आधार दे उत्ते पंजाबियों नाल झूठ बोलिया गया, लारे लाए गए, झूठे वादे किए गए, चाहे वह घर घर नौकरी सी, चाहे 51,000 की छगन स्कीम सी, चाहे
चाहे नीले पीड़े कार्ड इन्हां ने वड्डे पद्धर ते कट के गरीबां नूं परेशान किया, चाहे इन्हां ने घर घर नौकरी का वादा किया, चाहे किसानां दे कर्जा कुरकी वह खत्म करन दी गल कीती। ये झूठ दी सरकार सी, उहदा उहदे ते मुख्यमंत्री साहब ने दलतां पछड़ियां दी ते की कीता। दलित मुलाजमान का 10-10 2014 का पत्र उन्हां दी तरक्कियां रोकदा, उत्ते इन्हां ने क्या किया? नंबर 3 पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम आ, उत्ते 4 लाख विद्यार्थी पढ़ता सी जिदन इन्हां दी सरकार आई। अज 4 बंदे नहीं पढ़ते, 4 विद्यार्थी गिना दिन जिन्हां नूं वजीफा मिलता होवे, कांग्रेस ने वह भी रगड़ के रखते। तो यह जिहड़ा कांग्रेस का जिहड़ा मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार है, यह गुमराह करन दे लई यह इदां दीआं साजिशां ड्रामेबाजियां कर रही। बहुजन समाज पार्टी इन्हां दा मूँह तोड़ जवाब देगी। करोड़ दी रिटर्न अगर आम आदमी रखता है तो आम आदमी नहीं। नंबर 1 कमरे जिड्डियां वड्डियां वड्डियां गड्डियां चलता वो आप मन गया, मुंडा वह अपना BMW मर्सिडीज़ गड्डियां चलता, तब इदा का आम आदमी फिर बहुजन समाज को क्यों नहीं बना दिता कांग्रेस ने? अज तक कांग्रेस ने बहुजन समाज विच्चों नकली नेता फड़े, जिस तरह बाबा साहब अंबेडकर वेले कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम तैयार किया सी, और पंजाब दे विच चौधरी परिवार मास्टर गुरवंता सिंह जी तैयार किया सी, और बाबा साहब अंबेडकर नूं बार बार रोकया गया, और साहब गंज श्री राम जी वेले कदे मीरा कुमार नूं लिआंदा, कदी राम बिलास पासवान नूं लिआंदा, कदी इन्हां ने पंजाब च चौधरी परिवार लिआंदा, और अज कांग्रेस नूं बहुजन समाज पार्टी का हाथी मजबूत नजर आउंदा, हुण इह बेचारा इह लिआंदा आ। देखो मानयोग मुख्यमंत्री साहब आप कहिंदे, इक पासे कहिंदे मैं आम आदमी हाँ, दूजे पासे कहिंदे आ कि मैं कमरे जिड्डियां वड्डियां वड्डियां गड्डियां चलदा, और हुण कहिंदा मैं गड्डियां नूं दफ्तर बना लिया। पूरे देश नूं पता जिद्दां मोदी साहब जहाज़ च बैठ के वह कागज़ जिहा फड़ के ड्रामे करदे आ, इदां ही ड्रामेबाज बेचारा मुख्यमंत्री लै लिया। और मुख्यमंत्री साहब का खोता बेटा बड़बड़ियां गड्डियां चलता, सारे नूं चलना चाहिए, सानू कोई इतराज़ नहीं। मैं कहना एक मर्सिडीज़ छड्डो, 10 मर्सिडीज़ दे काफले चले, लेकिन बहुजन समाज का क्या किया? बहुजन समाज की आ जिहड़े इन्हां ते परचे क्यों नहीं दर्ज किए जिहड़े इहदी सरकार च 120 दिन पहलां गाली गलोच करदे सी? नंबर 1। नंबर 2 जिहड़ा 85वीं सोध है उहदे ते मुख्यमंत्री साहब ने दलतां पछड़ियां दी ते की कीता? दलित मुलाजमान का 10-10 2014 का पत्र उन्हां दीआं तरक्कियां, और मुख्यमंत्री साहब कहिंदा आ कल बयान दिंदे आ कि साडी कांग्रेस सरकार बहुजन समाज की सरकार है, तो किन्ने अंबेडकरी पिंड बनाए आ? साहब कांशी राम का पिंड खुआसपुर आया, रोपड़ जिला उन्हां दी जन्म भूमि आ। मानयोग मुख्यमंत्री साहब दसन किन्नी वारी उत्थे, 15 साल हो गए उन्हां नूं मंत्री MLA कैबिनेट मंत्री बन रैंक लेंदे आ, उदों किन्नी वारी उत्थे गए खुआसपुरे साहब मत्था टेकण साहब कांशी राम जी नूं? और परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जिन्हें कहा सी कि कांग्रेस एक जलदा होया घर है, बहुजन समाज उहदा अधे अन्ने दा मैंबर ना बने, तां अज मुख्यमंत्री साहब दसे कि अंबेडकर साहब दे हुक्मां तों उल्ट जाके कांग्रेस दा मुख्यमंत्री क्यों बनिया? इस करके जिहड़ा पंजाब दे विच जिहड़ा ताज़ा मामला जिहड़ा चल रहा उह कांग्रेस दा फेलीअर, और कांग्रेस वलों कल जिहड़ा जिस तरीके नाल चीक चिहाड़ा मुख्यमंत्री वलों बसपा दा आदमपुर च पाया गया, वह इस गल दा सबूत है कि बसपा श्रोमणी अकाली दल गठजोड़ दे विच बहुजन समाज पार्टी एक वड्डी ताकत श्रोमणी अकाली दल की भी बनी है, और सरकार च हिस्सेदारी जिहड़ी आ बहुजन समाज की बन जा रही आ। कांग्रेस नूं खतरा यह हो गया कि असी तां बहुजन समाज नूं आजादी के 74 सालों च बड़ा कुचल के रखिया सी, पछाड़ के रखिया सी, ये क्यों सरकार च हिस्सेदार बनन लगे? जी असी 117 सीटा दोनों गठजोड़ दी आए हाँ, जिहदे चों 83 सीटा 97 दे विचों श्रोमणी अकाली दल ऐलान कर चुका आ, और असी अपनियां 20 सीटां चों 15 सीटां दा ऐलान कर चुके हां, बड़ी जल्दी इन्हां दा वी लै लांगे। लांगा खुल रहा है, केंद्र सरकार अपना लाहा लैण रही है, पंजाब सरकार कहिंदी असी खलाता, केंद्र कहिंदी असी खोड़ता, की कहना? देखो कांग्रेस और BJP आजादी दे 74 सालों च क्यों नहीं खिला सके? इन्हां ने 1948 च क्यों नहीं खोलिया लांगा? 1952 च क्यों नहीं खोलिया जदों फुल फ्लैश सरकार बना ली? इन्हां नूं करतारपुर लांगा हुसैनी वाला बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर ने, पंजाब दे विच इन्ना बड़ा अनाज है, इन्ने बड़े इत्थों साधन ने, ये इंटरनेशनल व्यापार च वरते जा सकते सके। कांग्रेस और BJP ने बारी पा के इन्हां लांघियां नूं बंद रख के पंजाब नूं आर्थिक तौर पर कमजोर किया, उत्थे जिहड़ा ये लाहा लैण की कोशिश करते, ये लाहा कांग्रेस BJP नूं नहीं जांदा, ये लाहा उस सिख नूं जांदा गरीब नूं जिहड़ा रोज़ अरदास करदा आ कि खुले दर्शन दीदार दी जिहड़ी मंग करदा आ गुरु धामां दी, ये उस गरीब सिख दी अरदास है, हर सिख दी अरदास है, हर सिख दी। को आजादी दे 74 सालों च जिहड़ा दलित पछड़ा बहुजन समाज का कंसैप्ट है साहब काशी राम जी लैके आए, और कांग्रेस सरकार मानयोग मुख्यमंत्री साहब का यह जिला आ, उत्थे साहब काशी राम जी का भी यही जिला आ,
9 अक्तूबर 2006 ਨੂੰ ਸਾਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸੋਗ ਵਜੋਂ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਝੰਡਾ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਪਛੜਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਜਿੱਦਣ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੀਟਾਂ ਇਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਪਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਹਲਕਾ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮਗਿਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਮਸਤ ਵਾ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਪਛੜਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਸਪਾ ਦਾ ਦਰਦ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਭਲ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ MLA ਜੀਤਿੰਦਰ ਮੋਫਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਪਛੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸੱਤਾ ਜਾਣ ਲਈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੇਡਰ ਵਰਕਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟਾਂ ਸਾਬਕਾ MLA ਜੀਤਿੰਦਰ ਮੋਫਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਜੀਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਪਛੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਸਪਾ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਹਾਲੇ 120 ਦਿਨ ਹੋਏ ਦਲਿਤਾਂ ਪਛੜੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ